जो कुछ भी हो भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज इतने अच्छे दिन पे इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, रियली वेरी गुड। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह में 8:30 बजे, और आज है 22 जनवरी 2024 का। तो एक तो 22 जनवरी और ऊपर से सोमवार, मतलब समझिए कितना शुभ दिन है। मतलब हमारे श्री राम भी आ रहे हैं, हम महादेव के यहाँ भी जा रहे हैं। सुबह सुबह चेहरे पर अजीब आपको स्वेलिंग वगैरह दिखाई देगा, चेहरा फ्रेश फ्रेश नहीं दिखाई देगा। रीजन अभी जस्ट सो के उठे सीधी और शाम पर। तो पहले आज दिन का शुरुआत करेंगे शिव जी के आशीर्वाद के साथ। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और हमारे दोस्त पधार चुके हैं। चला जाए, कहाँ चलोगे? ओके वेरी गुड। तो चलिए गाइज अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में, क्योंकि घर से जस्ट 500 मीटर दूर ही शिव मंदिर है। तो मंदिर में सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है और थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना। चलिए निकलते हैं। बात कुछ ऐसा है भैया, हमारे शिव मंदिर पर हो रहा है भंडारा और हम वहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो दूध और चीनी ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से निकलते हैं मंदिर, हो गया चलते हैं। जय श्री राम। इसी दिन का हमें बहुत से वर्षों से इंतजार था, आज सारा इंतजार आज समाप्त होगा। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो गाइस आप सब हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि 500 वर्षों का जो इंतजार था वो फाइनली जाकर समाप्त हो गया। हमारे रामलला जो है अयोध्या में फाइनली विराजमान कर चुके हैं, और ये देख के ना ऐसे गुजबम आ रहा है ना कि क्या ही बताया, आप खुद देख लीजिए। आज हमारा जीवन भी सफल हो गया यार ये सब देख के। मैंने इसके लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके ये फाइनली ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारे आंखों में जो आप चमक देख रहे होंगे ना, असल में ये चमक नहीं है, ये हमारे राम जी के आने में खुशी के आंसू है। मतलब आदमी मुसल में बह जाता है ना। तो भाई अगर अभी समय की बात करना तो समय जो है वो हो रहा है 1:20, और अभी मैं निकल के जा रहा हूँ। पिछले शनिवार को मैं गया था अपने एसपी ऑफिस, वहाँ एसपी से हमारी मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि वो छुट्टी पे थे, तो हमें चार्ज वार्ज का सिस्टम है सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके पहले क्या है ना कि हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आज घूमने फिरने सेलिब्रेट करने का भी दिन है, तो उसमें भी निकल के भी जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं और अपना काम भी कम्प्लीट करते हैं। और सब जय श्री राम। जय श्री राम, क्या बात है, पूजा पाठ? ये जी शुक्रवार की तरह आज फिर आ गए हैं अपने कार्यालय, देखते हैं अंदर क्या होता है। तो हम पहुंचे हैं कार्यालय डाक अधीक्षक, और ये क्या ऑफिस तो बंद है। तो गाइस मैं भूल गया था कि 2 बजे के बाद आज ऑफिस बंद हो जाना था, क्योंकि हाफ टाइम का ही आज ड्यूटी था। तो इस प्रकार हमारा मोए मोए हो गया। खैर कोई बात नहीं है, फिर कल आएंगे सुबह में। ये मेरा day 2 था, अब day 3 की तरफ कल की तरफ देखते हैं। फिलहाल चलते हैं घूमते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, बाहर का माहौल बड़ा बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है, अच्छा वाइब आ रहा है आज, क्योंकि पूरा माहौल जो है ना वो राममय हो रखा है। व्हाट द नेक्स्ट गाइस, अब कहाँ चले, कहाँ चलना है बताओ? चलो ऐसे दुकान के पास, क्या करेंगे वहाँ पे जाएंगे? राम राम, चलो चलते हैं, राम राम करने चलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। घूमते घूमते दोनों भाई को भूख लग गया, तो अभी गोलगप्पा खाने के लिए यहाँ पे वो आए हुए हैं। चुप रहो। और आशीष भाई, भाई। पूरा बॉडी क्यों दिखा रहे हो भाई? बहुत गर्मी लग रहा है भाई। क्यों, हम आए तो गर्मी बढ़ गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बॉडी दिखाओ, चले गए घूमने? वर्क इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। वर्क इज वर्क, देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को कहीं स्टोर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यूपीएससी पेपर में पूछ भी सकता है। वेरी नाइस आशीष जी, थैंक्स।
चिप सब हम रहते ना तो शर्म से डूब के मर गए हम तो डूबने के लिए तैयार थे ये आशीष हमको रोक लिया क्या दिन आ गया यार छोटे मालिक को लोग क्या क्या चाहिए ऐसा है ना कि अभी हम ऑफिस से तो आ चुके हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है हाफ टाइम से बंद था तो खैर हाई रिस्पेक्टेड लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं जो पहले एज ए GTS यहाँ पे जॉब करते हैं कि बिहार में बड़ा भयंकर तरीके से करप्शन वगैरह का पूरा फुल सिस्टम है हम तो प्रॉपर लगे हुए हैं कि उस चीज़ को एक बार मेरे कैमरे में कैद हो जाए उसके बाद बाकायदे ये वीडियो डाकभवन दिल्ली तक जाएगी तो देखते हैं क्या होता है अभी हालांकि हमारा किसी से इंट्रैक्शन वैसे हुआ नहीं है किसी ने मेरे से कुछ डिमांड करा नहीं है समय है कुछ बदलाव करने का बिहार में कुछ एक्सपोज करने का लोगों को जो GDS को बहुत बुरे तरीके से उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं उनके मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है ऐसा ऐसा है कि अभी हम आ चुके हैं घर पे और कुछ खाते पीते हैं उसके बाद शाम को जाना है पढ़ाई वढ़ाई करने यार लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखा है और बाहर निकलने के बाद तो ऐसा वाइब आ रहा है ना मज़ा आ जा रहा है चारों तरफ राममय हो रखा है पूरा सीवान भगवा रंग से एकदम पूरा पट चुका है पूरा भर चुका है और इतना अच्छा फील हो रहा है ना लग रहा है कि जैसे रामनवमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाद में हम भी अपने घर पर दिया हुआ जरूर जलाएंगे और उसके बाद से फिर तब जाएंगे लाइब्रेरी अब देख सकते हैं यहाँ पे सामने दिया हुआ जलना स्टार्ट हो गया है और मेरे घर के अगल बगल कोई ऐसा इलाका नहीं है ना कि जहाँ पे राम जी का गीत नहीं बज रहा हो और अभी शाम होने वाला है भाई शाम के समय ये देखिए हमारे शिव मंदिर का और यहाँ का माहौल कैसा है गाइस अभी हम निकल रहे हैं इतने अच्छे दिन पे विजिट सो प्राउड ऑफ यू क्योंकि वो जो औरत थी ना बहुत गरीब थी बिल्कुल यार आज तो तुम सही में राम मंदिर जो बना है ना वो तो खुशी वाली चीज है लेकिन एक नया खुशी तुम दे रहे हो आई एम सो प्राउड ऑफ माय फ्रेंड और रीजन आपको बता दें रीजन ये था कि एक बुरी औरत थी उसके बच्चे का बहुत सीरियस तबियत खराब था एक कोई बंदा था उसे ब्लड देने के लिए रुपए का वो डिमांड कर रहा था हमारे भाई ने फिर अप्रोच को ब्लड देने के लिए जब इसने बातें सुनी तब उसका दुख दर्द सुना तब विश्वजीत ने उसका उसका दिल जो है ना विश्वजीत ने काफी बढ़ा दिया इसका पूर्ण इसको तो मिलेगा थोड़ा इसको ही मिल जाएगा और इसको ज्यादा मिलेगा पता है क्यों रीजन बिहाइंड ये बंदा अपने खर्च से इतना इतना प्लेट आप गिन सकते हैं अभी हम ना खेले अभी हम सब नहीं खाए सबको मिलेगा हम लोग हैं जो कुछ भी हो भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू आज इतने अच्छे दिन पे इतना अच्छा काम कर रहे हो ना रियली वेरी गुड और गाइस ऑनेस्टली बताया ना तो माहौल तो सिवान में बन रखा है जय श्री राम तो वी आर इन हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल सिवान ब्लड बैंक ऊपर है भाई ऊपर तो विश्वजीत जी बहुत बढ़िया काम रहा आपका दिल से शुक्रिया ढेर भरे क्या रखे है आशीष देखा जा रहा से क्या चुरा ले जा रहा है दिखा दो बताइए क्या क्या जुग जमाना आगे हंसी मजाक बहुत थी हम निकलते हैं घर की तरफ तो जो कुछ भी मैटर था आज का हमारा जो दिन है यही पे समाप्त होता है और अभी हम अपने घर के पास आ चुके हैं और हम रास्ते में सारे दोस्तों को ड्रॉप करते हुए चले थे और अभी हमें ड्रॉप करने आए हैं चलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है सी यू फिर कल भी उठे बाय तो रूही बेटा अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी कि हम आएंगे तो पटाखे वगैरह जलाएंगे स्टार्ट किया जाए सिर्फ हूँ सीखी ओके चलो हाँ लेट्स स्टार्ट हाँ ओके बेटा साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त अगले वीडियो में लहाल के लिए टीचर मिलेगा ख्याल रखना